गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर टेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज़ गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी बेटा बजट के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा जैसे हमारा फैमिली का बजट होता है हम फैमिली का बजट बनाते समय हमारी कोशिश होती है कि जितनी हमारी इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर हो या इनकम ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम सो दैट वी कैन सेव सम अमाउंट फॉर बेटर फ्यूचर बट जब हमारा ये कंसेप्ट गवर्नमेंट बजट के साथ अटैच हो जाता है तो इसका मीनिंग चेंज होकर ये आ जाता है कि हमारी गवर्नमेंट पूरे देश को चलाने के लिए किस तरह से अपने इनकम के सोर्सेज को यूज़ करेगी किस तरह से एक्सपेंडिचर करेगी ताकि इकॉनमी के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो आज इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट बजट से रिलेटेड कुछ बातें देन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट नाउ फर्स्ट कंसेप्ट मीनिंग ऑफ बजट गवर्नमेंट बजट को बेटा यूनियन बजट भी कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बजट भी कहते हैं सेंट्रल बजट भी कहते हैं इसका मीनिंग क्या होता है इट इज एस्टिमेट ऑफ गवर्नमेंटिप्स एंड एक्सपेंडिचर ओवर द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बजट क्या है गवर्नमेंट का बजट एक अनुमान है एक एस्टिमेशन है कि इस साल हमारे इनकम के सोर्स कौन कौन से हैं कहाँ कहाँ से हमें इनकम आएगी और हमारी गवर्नमेंट इस पूरे साल में पैसे कहाँ कहाँ खर्च करेगी इट रिवील द बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट स्टेबिलिटी गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है तो उसका मेन एम क्या होता है कि इस तरह का बजट बनाया जाए जिससे क्लियर हो कि हमारे देश के अंदर जी की ग्रोथ भी हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़े तो बजट एक एस्टिमेशन है इट इज़ नॉट एग्जैक्ट इट इज़ एस्टिमेशन कि इस साल हमें कहाँ कहाँ से इनकम आएगी और इस इनकम को हम किन किन सोर्सेज के ऊपर यूज करेंगे जिससे देश की डिवेलपमेंट हो बजट के मैंने कुछ बातें पॉइंट नंबर वन इंडिया में बजट जो प्रेजेंट किया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू किया जाता है और ये बजट पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में सेंशन होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है देन इसके ऊपर साइन करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर वन वन टू एक सौ बारह के अंदर लिखा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बजट होगा बजट मोस्ट प्रोबली फेब के लास्ट डे को प्रेजेंट किया था लेकिन जब से ये हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है मोदी सरकार जो गवर्नमेंट बनी है उस दौरान उन्होंने रूल थोड़ा सा चेंज किया है अब वह बजट फैब के फर्स्ट वीक में प्रेजेंट करते हैं या फर्स्ट डे प्रेजेंट करते हैं ताकि जो एक्सपर्ट्स हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं या अदर लोग हैं उनको बजट की प्रॉपर डिटेल पता चल सके अगर बजट में कुछ कमी रह गई है कुछ लूपूल्स रह गए उनको चेंज कर सके अमेंडमेंट्स हो सके मॉडिफिकेशन हो सके तो बजट को फैब की स्टार्टिंग में पेश किया जाता है बट बेटा बजट जो इम्प्लीमेंट होता है अकॉर्डिंग टू फिजिकल ईयर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग या फर्स्ट अप्रैल को होता है तो बजट हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं हु इज आर प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला निर्मला सी आ, सीतारामन ओके okay. ना अब क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर ये तीनों में फर्क इसमें फ़र्क क्या होता है अकाउंटिंग ईयर फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर ये सब सेम चीज़ें हैं हमारा जो बजट है फर्स्ट अप्रैल को स्टार्ट होता, होता है और नेक्स्ट ईयर की थर्टी फर्स्ट मार्च को ख़त्म होता है एट प्रेजेंट हमारा बजट स्टार्ट हुआ फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी अब ये खत्म होगा इसका सेशन खत्म होगा थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन लेकिन अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ईयर कैलेंडर जो फर्स्ट जैन को शुरू होता है और हर साल थर्टी फर्स्ट मार्च को ख़त्म होता है तो हमारे बजट के बारे में कुछ बातें जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है जो, जो बजट पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है उसको हम एज वी नो गवर्नमेंट बजट कहते हैं इस बजट के अंदर दो एस्पेक्ट्स को फॉलो किया जाता है पहला फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ओवर पास्ट वन ईयर पिछले साल हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी थी ओके लास्ट में हमने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया एंड सेकंड फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट वन ईयर अगले साल इस साल जो रनिंग ईयर है जिसका हमने बजट बनाया इस साल गवर्नमेंट किस किस प्रोग्राम और पॉलिसीज पर पैसा लगा रही है जिससे इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है लास्ट ईयर के कंपेरेटिव ज़्यादा अच्छी हो तो बजट को बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं फिजिकल पॉलिसी भी कहते हैं बजट के मेन दो आस्पेक्ट होते हैं रेवन्यू आस्पेक्ट और रेवेन्यू आस्पेक्ट और एक्सपेंडिचर आस्पेक्ट तो इंडिया में बजट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया दैट इज़ अ स्टेट बजट एंड गवर्नमेंट बजट यूनियन बजट स्टेट बजट जिस जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उसका एक सेपरेट बजट बनता है लेकिन बजट बनाने का प्रोसीजर सेम ही होता है तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज ए गवर्नमेंट बजट तो गवर्नमेंट बजट इट इज एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्स एंड एक्सपेंडिचर ओवर द अकाउंटिंग ईयर तो आज हम इसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने जा रहे हैं नाउ बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट का मतलब है कि अगर हमने बजट बनाया तो उसके पीछे बनाने के पीछे हमारा एम क्या है हम किस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं जिसके लिए हमने इतना टाइम लगाया इतना लंबा डिस्कशन किया पार्लियामेंट के अंदर इसको जब हमने इस प्रपोजल को रखा इस टॉप इस बजट को पेश किया तो उसके बाद काफ़ी डिस्कशन हुआ फिर राज्यसभा में फिर प्रेजिडेंट के पास और इतना डिस्कशन होने के बाद हमने बिल को बजट को पास किया तो बजट के एम क्या होते हैं बेटा जब पूरी कंट्री का बजट बनता है तो हमें पूरी कंट्री की डेवलपमेंट को साथ लेके चलना होता है तो बजट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं तो कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हम आज डिस्कस करने जाए तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव इज री एलोकेशन ऑफ रिसोर्स थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम टू री एलोकेट रिसोर्सिस इन दोज एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वी आर प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन एंड सोशल वेलफेयर ऑफ अ कंट्री कहते गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो गवर्नमेंट की कोशिश क्या होती है अपने रिसोर्स को इस तरह से री एलोकेट करें जिस पॉइंट के ऊपर हमें प्रॉफिट मिल रहा है और सोशल वेलफेयर वहीं पर पैसा लगाया जाए इसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है टैक्स कंसेशन देती है सब्सिडी देती है प्रोड्यूसर को ताकि वो अपने इनकम को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इस कंसेशन का यूज़ कर सके और जब जब प्राइवेट सेक्टर के अंदर बैठाएं इन्वेस्टमेंट होती है तो वहाँ प्रॉफिट बढ़ता है बट सेकेंड पॉइंट डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सवेल लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर काम करना नहीं चाहते तो उनको वहाँ पर काम करने के लिए हम इनकरेज नहीं कर सकते तो वहाँ पर पब्लिक सेक्टर को मोटिवेट होना पड़ता है तो वो कौन सी चीज़ें वो नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है? हैं जैसे वाटर सप्लाई या सैनिटेशन वगैरह दोज एक्टिविटीज विच सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ पीपल ये वो चीज़ें हैं जो एक साथ बनती हैं और पूरी पब्लिक को सेटिसफाई करते हैं उनको पब्लिक गुड्स भी कहते हैं सच एक्टिविटीज़ आर नर्सरी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट एंड सोशल वेलफेयर ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए पब्लिक सेक्टर को ही पैसा लगाना पड़ता है क्योंकि पब्लिक सेक्टर पब्लिक के इंटरेस्ट को जानती है और उनके सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है तो री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस का बटा मीनिंग ये निकलता है कि गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा था जितने भी रिसोर्सेज थे तो जब बजट बनाया जाता है तो वो इस तरह से उनको डिवाइड करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप हो और दूसरी तरफ सोशल वेलफेयर को मोटिवेट करने के लिए पब्लिक सेक्टर को सोशल पब्लिक सेक्टर को भी लिया जाए इसलिए हमारी इकॉनमी ने मिक्सड इकॉनमी को अडॉप्ट किया फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट के पास टोटल पैसा है या बजट का जो टारगेट है टेन थाउजेंड करोड़ है अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ खर्च करें एजुकेशन पे इंडस्ट्री पे या एग्रीकल्चर पे ये बटा डिपेंड करता है प्रियोरिटी के ऊपर किसकी नीड जरूरत है जरूरत पहले है हो सकता है लास्ट ईयर के प्लान के अंदर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में पैसा लगाया इस बार लोग गवर्नमेंट इंडस्ट्री पैसा लगाना चाह रही हो तो यहाँ बेटा गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर को मोटिवेट करने के लिए एजुकेशन पे पैसा लगाना चाहती हो तो पैसा किस सेक्टर में लगाया जाएगा रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मैक्सिमम पैसा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेक्टर पर लगेगा प्राइवेट सेक्टर पर लगेगा या मैक्सिमम पैसा सोशल वेलफेयर ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इकॉनॉमी कैसी है अगर मैक्सिमम इकानमी अंडर डेवलप है तो नेचुरली है गवर्नमेंट ज्यादा पैसा सोशल वेलफेयर पे लगाएगी अगर मैक्सिमम इकॉनॉमी डेवलप है तो नेचुरली है इकॉनमी के अंदर पुअर सेक्शन बहुत कम है तो गवर्नमेंट मैक्सिमम पैसा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लाएगी ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चांसेस बढ़ जाए तो री एलोकेशन ऑफ रिसोर्स मीन हाउ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट देयर रिसोर्सिज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ गवर्नमेंट का ये भी एम होता है कि इकोनमी के अंदर जो इनईक्वालिटीज हैं जो रिच और पुअर्स में गैप पाया जा रहा है उसको रिमूव किया जाए इकोनॉमिक इन इक्वालिटी इज एन इनहेरिटेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमी। गवर्नमेंट एम टू रिड्यूस सच इनकवालिटीज ऑफ इनकम वेल्थ बाय द बजटरी पॉलिसी कहते कोई भी इकोनॉमी हो वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी हो उनको विरासत में उनको Uh, क्या चीज़ गिफ्ट में या ग्रंटर मिलती है बाग uh, हमारी इकोनॉमी में दैट इज इनक्वालिटी रिच और पुअर में गैप पाया ही जाता है तो इन इकॉनमी का एम ये होता है कि इस uh, जो गैप को या जो हमारे रिच और पुअर के अंदर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया इसको किसी तरीके से रिड्यूस किया जाए तो गवर्नमेंट एम टू तो इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच पीपल एंड स्पेंडिंग ऑन द वेलफेयर द पुअर पीपल तो उन्होंने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए जिन लोगों की इनकम ज्यादा उनके

और uh, इनकम को मैंने मैक्सिमम सेवन लाख रुपीज तक लिया वन लाख टू लाख एंड टिल इट को टू सेवन लाख तो यहां मैंने सिक्स ग्राफ बनाए हैं वन टू थ्री फोर फाइव बार डायग्राम को मैंने यूज किया तो यहां पर फर्स्ट बार डायग्राम बता रहा है कि एक पर्सन है उसकी इनकम मोर देन फाइव लैख है सेकेंड पर्सन है उसकी इनकम मोर देन उसकी इनकम नियर अबाउट सेवन लैख है थर्ड पर्सन है उसकी इनकम सिक्स लाख है और यहां पर थ्री पर्सन है जिनकी इनकम नियर अबाउट वन लैख वन एंड हाफ लैख टू लैख और फिफ्टी थाउजेंड के करीब है तो सिक्स पर्सन ये जो थ्री पर्सन है दीज आर द रिच पीपल एंड दीज आर द पुअर पीपल अगर रिच पीपल के ऊपर टैक्स लगाने और इनका पैसा इन पीपल्स में कर दिया जाए तो के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो गवर्नमेंट ने क्या किया फाइव लैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया ओके? तो ये पोर्शन है है ये आ गया वाला ने इतना पैसा इनसे टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट कर लिया अब ये पैसा गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पुअर पीपल्स को इन द फॉर्म ऑफ कंसेशन सब्सिडी एंड फाइनेंशियल आई वी रिटर्न कंसेशन सब्सिडी एंड फाइनेंशियल अगर गवर्नमेंट ये पैसा इन लोगों को देती है तो जिनकी इनक्वालिटी जिनमें गैप बहुत है अब वो गैप धीरे धीरे फिल होना शुरू हो जाएगा अब ये कर्व ऊपर की तरफ जाना डायग्राम ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा तो गवर्नमेंट अगर इस तरह से रिच पीपल के ऊपर टैक्स लगाकर उसी पैसे को जो पुअर पीपल्स हैं उनके ऊपर खर्च करना शुरू कर दे तो इकॉनमी की इनकॉलिटीज़ दूर हो जाती हैं और हमारी गवर्नमेंट ऐसा ही करती है गवर्नमेंट इसी टूल को यूज करती है इम्पोज मैक्सिम टैक्स ऑन रिच पीपल और उस पैसे को पुअर पीपल्स के ऊपर खर्च किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग एल पी जी गैस सिलेंडर ना रिच पीपल जिनके पास पैसा है दे हैव मनी ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है अगर इनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है गवर्नमेंट की पॉकेट में पैसे जाते हैं और गवर्नमेंट उस पैसे को सब्सिडी की फॉर्म है चाहे वो राशन का सामान है चाहे वो सिलेंडर गैस है चाहे कंसेशंस है चाहे फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल है चाहे कुछ भी है पुअर पीपल्स को प्रोवाइड करती है जिनके पास कुछ भी नहीं है दे हैव नोट उनके पास कुछ नहीं है तो धीरे धीरे करके इकॉनमी की इनईक्वालिटीज रिमूव हो जाती हैं तो बजट का सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव ये होता है ये इकॉनॉमी के अंदर जो कैप होता है इन का उसको रिमूव करने की कोशिश करती हैं सो दिस इज सेकेंड पॉइंट ऑफ ऑफ ऑब ना बेटा थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब नो फ्लैक्चुएशन सो हमने डेफिनेशन ली इट मीन्स एबसेंस ऑफ लार्ज स्केल ऑफ फ्लैक्चुएशन इन प्राइस कहते प्राइस के अंदर फ्लैक्चुएशन नहीं होनी चाहिए प्राइस ना बढ़ना चाहिए ना बेटा कम होना चाहिए तो अगर फ्लैक्चुएशन पाए जाते हैं इकोनॉमी के अंदर अनसर्टनिटी पैती है इट क्रिएट अनसर्टन द इकोमी गवर्नमेंट कैन एक्साइज द कंट्रोल ऑफ ए फ्लैक्चुएशन बाय द टैक्स एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इन फ्लैक्चुएशन को बेटा कंट्रोल कर सकती है कैसे टैक्स और एक्सपेंडिचर से देखो हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के दो रिजल्ट निकलते हैं अगर इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है अगर हम स्टेबिलिटी चाहते हैं तो हमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वट इज इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन राइज इन प्राइस जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में महंगाई कहते हैं जनरल राइज इन प्राइस महंगाई कब बात है बेटा राइज इन प्राइस कब होता है जब डिमांड ज़्यादा होती है डिमांड कब ज़्यादा होती है जब लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं और उस चीज़ को खरीदने के लिए वो ज़्यादा से मनी देने के लिए रेडी होते हैं बट सप्लाई इज़ वेरी लेस अब ऐसी कंडीशन के अंदर जब इकॉनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन पाया जाता है अगर गवर्नमेंट अपने जर्नल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दे और पब्लिक जो एक्स्ट्रा वेकेंट कर रही थी जो एक्स्ट्रा बेफजूल खर्ची कर रही थी उस पैसे को उनको बेसिक नीड्स पूरा करने पर खर्च करना पड़े तो इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी दूसरी तरह हमारे पास पॉइंट डिफ्लेशन डिफ्लेशन का मीनिंग क्या है डिफ्लेशन में इन्फ्लेशन के ऑपोजिट वो इंक्रीज इन प्राइस है ये डिक्रीज इन प्राइस है कई बार इकोनॉमी में प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस सामान को खरीदने वाला कोई नहीं होता तो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस यहां पर सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम होती है ऐसी कंडीशन में उस प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाते हैं बिकॉज सप्लाई इज मोर और इस कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा दे गवर्नमेंट लोगों को कोई कंसेशन दे कोई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दे उनको कुछ ऐसी फैसिलिटीज दे कि लोगों के हाथों में पैसा आ जाए तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो सकता है तो यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर कंट्रोल कर ली जाए तो हमें दो बेनिफिट होते हैं एक तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट प्राइवेट सेक्टर को एक इंक्रेजमेंट मिलता है स्टिमुलस मिलता है एक जर्क मिलता है कि हम इन्वेस्ट करें एंड सेकेंड पॉइंट इंक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवेलपमेंट इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट इंक्रीज होती है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट ऑब्जेक्टिव नंबर फोर दैट इज़ ए मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक पब्लिक एंटरप्राइज एज वी नो पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर के अंदर बेटा बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज आती हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके ऊपर प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाने से या बिजनेस के अंदर आने से हेजिटेशन फील करता है क्योंकि उनको पता है यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कम है और सोशल वेलफेयर ज़्यादा है ऐसी कंडीशन के अंदर जब पब्लिक सेक्टर को डेवलप करना होता है या इस्टेब्लिश करना होता है मैनेज करना होता है तो गवर्नमेंट को लगता है कि किसी तरीके से हम बजट को मैनेज करें तो बजट का एक मोटिव ये ऑब्जेक्टिव ये है कि बजट जितने भी सेक्टर जितने भी हिस्से पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं उनको मैनेज करती है चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर है चाहे रेलवे है चाहे डिफेंस है चाहे टैक्सेशन तो इस तरह से गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को मैनेज करती है और बजट को बजट की हेल्प से इन सारे सेक्टर्स को प्रॉपर बेनिफिट देती है जिससे इकोनॉमी के अंदर इन सेक्टर्स को फाइनेंशियल हेल्प मिले और ये सेक्टर एक्सपैंड भी हो और इनसे प्रोडक्टिविटी बढ़े पॉइंट नंबर दैट इज़ ए बैलेंस रीजनल ग्रोथ बैलेंस रीजनल ग्रोथ का, का क्या मतलब होता हमारी इकोनमी के अंदर एज वी नो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है पर ये भी क्लियर है ये सारी की सारी स्टेट्स यूनियन टेरिटरी एक जैसी नहीं इनमें से कुछ इलाके बहुत बैकवर्ड है और कुछ बहुत फॉरवर्ड है बैकवर्ड का मीनिंग क्या होता है अंडर डिवेलप जहाँ पर पॉवर्टी इस्लम एरिया इन पाई जाती हैं और फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा फॉरवर्ड का मीनिंग होता है वो एक हिस्से जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है देश डिवेलपमेंट बहुत ज़्यादा है तो इंडिया के अंदर जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं जो बैकवर्ड रीज बिहार है उड़ीसा है आंध्रा इनको डिवेलप करने के लिए सरकार ने बनाया स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं इट इज़ ए जोग्राफिकल एरिया इन विच बिजनेस एंड ट्रेड लॉस आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री कहते पूरे देश के अंदर जो टैक्स लग रहा है उसके हिसाब से सेम टैक्स हर हिस्से में लगना चाहिए लेकिन इन इलाकों को चूज कर लिया था कि ये टैक्स देने की कंडीशन में नहीं है तो इनको कुछ कंसेशन दिया जाए जैसे टैक्स हॉलीडे दिया जाए ये कुछ महीने टैक्स पे नहीं करेंगे या इनके ऊपर लिबरल टैक्स पॉलिसी अप्लाई की ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हो जाए ये डिवेल्प होना शुरू हो जाए ऐसी बहुत सारी इन्फेंट इंडस्ट्री छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है जिनको डिवेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं तो ये पॉलिसीज काफ़ी हेल्पफुल हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का जो टारगेट स्टार्ट हुआ था ये टेंथ फ़ेब 2006 में हुआ था द तो गवर्नमेंट ने इस इस तरह के एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर भी बजट के थ्रू इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश की जाती है तो बजट का ये ऑब्जेक्टिव है जो बैकवर्ड एरिया है जहां पर अनबैलेंस रोन था उनको डिवेल्प किया जाए सिक्स ऑब्जेक्टिफ बजट इज इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ देखो बेटा जितने पॉइंट्स हमने पीछे किए हैं दैट इज अ री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पब्लिक सेक्टर और जितने पॉइंट्स हैं दीज आर मैक्सम रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर इकॉमी के अंदर जितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी खत्म हो जाए तो देश की डिवेलपमेंट और जी ग्रोथ अपने आप अप स्टार्ट हो जाती है तो बजट का जो एंड ऑब्जेक्टिव है या फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ तो इट इज ए सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी ओवर अ लॉन्ग पीरियड आई कहते अगर हम लंबे समय के लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए लगातार अपने जीडीपी के ग्राफ को इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ ले जाएं तो हमारे देश का बजट सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके लिए गवर्नमेंट दो टूल यूज करती है वन इज रेवेन्यू अनदर इज एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को पता है कि अगर इकॉनमी के अंदर डेवलपमेंट करनी है या गवर्नमेंट के अगर हमने जीडीपी का जो वैल्यू को इंक्रीज करना तो हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तो गवर्नमेंट यहाँ पर यूज करेगी रेवेन्यू को गवर्नमेंट टैक्स के अंदर कुछ ऐसी रिबेट दे ऐसी छूट दे कुछ ऐसे इंसेंटिव दे कि लोग इनकरेज हो इंड्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए और सेविंग के लिए जिससे इकॉनमी के अंदर प्रॉफ़िट मैक्सीमेशन बढ़े और दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्पेंड करे स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर करे ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और, और डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री ताकि इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर बढ़े तो जब सारी चीजें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का सही यूज़ होना शुरू हो जाएगा इकॉनॉमी का बजट अपने आप हाँ सही हो जाएगा तो गवर्नमेंट बजट के अंदर ये भी ऑब्जेक्टिव लिया जाता है कि जीडीपी ग्रोथ है जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये है कि इकॉनमी के अंदर मोर प्रोडक्शन हो मोर गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हो हर पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो तो अगर इकॉनमी के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये लॉन्ग पीरियड के होगा तो इकॉनॉमी का जो पुअर सेक्शन है वो धीरे धीरे इलिमिनेट हो जाएगा और पॉवर्टी एलिवेशन हो जाएगी देन द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बजटरी का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि एज हमारी इकोनॉमी के अंदर ट्वेंटी वन परसेंट लो बी पी एल है बिलो पॉवर्टी लाइन है तो इनकी प्रॉब्लम क्या है लैक ऑफ इनकम इनकम की कमी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेलिटीज गाइज है सीजनल है स्ट्रक्चरल है तो उसको रिमूव करने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्लान किए हैं बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में बना था तो ऐसी स्कीम बनाकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इन्हांस करती है जिससे इकॉनमी के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और इकॉनमी का बजट इम्प्रूव होता है और इस बजट के थ्रू इकॉनमी डिवेलपमेंट करती है ना बेटा हमने सेवन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया और अगर हमने इन ऑब्जेक्टिव को सिंपली वर्डिंग में या एंडिंग में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं ब्रीफली गवर्नमेंट ट्राई टू मैनेज इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन सच अ वे सो दैट जी डी पी इज एक्सलेटेड इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी प्रेशर एलिमिनेटीज एंड इनक्वालिटीज रिड्यूस कहते गवर्नमेंट असल में बजट के थ्रू क्या करती है रेवन्यू और एक्सपेंडिचर को इस तरह से यूज करती है कि जी डी पी का प्रोसेस स्पीड अप हो जाए देश में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इनक्वालिटीज खत्म हो जाए अगर ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो अपने आप स्टेबिलिटी शुरू हो जाती है विद द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ सो हमारी इकॉनमी के अंदर डेवलपमेंट हो सकती है अगर हमारे देश का बजट बिल्कुल सही तरीके से बनता है तो हमारे गवर्नमेंट बजट के अंदर इन सारे एम्स इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो किया जाता है जिसका एंड रिजल्ट निकलता है देश के अंदर स्टेबिलिटी आती है और हम डिप्रेशन वाली इकॉनमी से रिकवरी या प्रोस्पेरिटी की तरफ मूव करना शुरू करते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट सब इंक्रीज होती है तो ये दी ज्यादा ऑब्जेक्टिव बजट दिस इज अबाउट टूडे टॉपिक